जयशंकर जी, जयशंकर जी अब अपना सवाल पूछिए, ये मेरे लिए करना जरूरी था क्योंकि इसका टाइम निकल रहा था। जयशंकर जी आपका सवाल प्लीज, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। नहीं, बार बार सवाल आया सावरकर के बारे में। सावरकर को भारतीय जनता पार्टी अपना रोल मॉडल मानती है क्या? एक दूसरा, क्या सावरकर के विचारों से भारतीय जनता पार्टी सहमति जताती है? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा, आपने जैसे ओबीसी के बारे में कहा, सूरत के कोर्ट के बारे में, फैसले के बारे में कहा, सूरत के कोर्ट के फैसले के बारे में कहा, पहली बात तो यह है कि सूरत के कोर्ट का फैसला, सीजेएम का फैसला है वो 155 पन्ने का है और गुजराती में लिखा हुआ है, तो पहले तो जो वकील उसको पढ़ेंगे लोग, उसके बाद कोई अपील करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। फैसले में ये लिखा हुआ है कि अपने फैसले के खिलाफ ही स्टे देते हुए कहा गया है कि 30 दिन की उनको जमानत दी जाती है, 30 दिन के अंदर वो कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर उसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष को इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि जब स्टे मिला हुआ है, ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है, उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने अचानक क्यों ऐसा फैसला कर दिया कि उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? एक हो गया। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, सवाल हो गया इसी के साथ है कि ओबीसी का सवाल आया, इसमें कौन कौन ओबीसी है? जैसा निशांत ने भी पूछा था, ललित मोदी है या नीरव मोदी है। ये कहा था कि चोर और भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी और किसी और का एक नाम लिया था, ये सारे सरनेम मोदी क्यों होते हैं? मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? प्रॉब्लम ये हो गई थी, ये बोलते तो बच जाते। अच्छा सर, अब जवाब नहीं, एक सेकंड बस, इसी में सर ये एनेक्चर 1-2-3 करके आ रहा है। आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं? नहीं होता है। चोर की जाति होती है? चोर की जाति होती है क्या? चोरी की जाति होती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता। नहीं, आप ये कहते हैं, यही गड़बड़ है, अधूरी बात, प्रॉब्लम है, अधूरी बात मत करिए। आपने ये कहा था आतंकवाद, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। हमने नहीं कहा था। सुनिए, जिसने भी कहा, सुनिए, हाँ सुनिए, मगर जवाब देने दीजिए, शो का समय समय खत्म। सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन मगर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट था ना? था ना। तो फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट कैसे आपत्तिजनक नहीं है कि मोदी से सरनेम वाले चोर होते हैं? तो अगर उसको आप फिर उस पर मुकदमा करिए, बड़ी अजीब बात है साहब, वहां पर तो सही है, यहां पे गलत है। उसको सुधांशु जी अपमानिए क्यों? लेकिन मैं इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने के लिए, जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।